ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ. ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಯಸ್ ಯಸ್ ಟೀಚರ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. संवेदा उर्दू ई क्लास में मैं आप तमाम बच्चों का इस्तकबाल करती हूँ. बच्चों, आज हम नवीं जमात का एक बहुत ही अहम सबक कुदरत गिजाई वसाइल में बेहतरी के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने जा रहे हैं. बच्चों, आज आप इसका दूसरा वीडियो देख रहे हैं. चलिए अब हम अपने सबक को आगे बढ़ाते हैं. इस सबक के अहम नुकात क्या हैं? देखते हैं. आज हम आबपाशी के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे, जिसमें कुएं, तालाब, दरियाओं से उठाने का इंतजाम, रेन हार्वेस्टिंग वगैरह के ताल्लुक से जानकारी हासिल करेंगे. फसलों की तरतीब, इसमें हम मिली जुली काश्त, मुंजुमला काश्त और दौरी काश्त के ताल्लुक से पढ़ेंगे. फसलों की हिफाजत का इंतजाम हम इस तरह से करते हैं, देखेंगे. घास फूस, कीड़े मार मकोड़ों पर काबू हम किस तरह से पा सकते हैं, इसके ताल्लुक से भी हम जानकारी हासिल करेंगे. इसके अलावा अनाज को गोदाम में रखना और अनाज को जो है हम हयातियाती और गैर हयातियाती आमिल से बचाना. तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम आबपाशी किसे कहते हैं देखते हैं. और जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में ज्यादातर ज़िरात बारिश पर मुनहसर है. फसल के पकने के दौरान सही वक्त पर पानी की फरहमी बहुत जरूरी है. हिंदुस्तान में पानी के वसी ज़राए और बहुत मुख्तलिफ आबो हवा है. इन हालात में काबिले काश्त ज़मीनों की आबपाशी के लिए मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं. यहाँ पर इस तस्वीर को आप गौर से देखिए बच्चा. आबपाशी, इसका मतलब क्या है पहले हम जान लेते हैं. आबपाशी यानी कि फसलों में पानी फराहम करने के अमल को हम क्या है आबपाशी कहते हैं. आबपाशी के तरीके दरअसल यहाँ पर मुख्तलिफ हैं. तो कुएं के जरिए हम आबपाशी करते हैं. ये दो तरह के होते हैं, खुदाई किए हुए कुएं और ट्यूबवेल. खुदाई वाले कुओं में पानी इस आरजी परत से जमा किया जाता है जहां पर पानी मौजूद होता है. ट्यूबवेल, इस तस्वीर को गौर से देखिए. क्या आप इस तस्वीर को पहचान सकते हैं? जी हाँ बच्चों, ये है ट्यूबवेल. इस ट्यूबवेल में बहुत नीचे यहाँ पर पानी होता है और इस ट्यूबवेल के जरिए हम क्या है पानी को पंप करके ऊपर लाया जाता है. इसके अलावा नहरें, बच्चों ये भी आबपाशी का एक जरिया है. इस निजाम में नहरें पानी एक या दो जखीरे आप दरियाओं से हासिल करती हैं. असल नहरें फिर शाखों में तकसीम हो जाती हैं, जिसके मजीद तकसीम होती है जो खेतों को पानी पहुंचाती है. दरियाओं से उठाने का निजाम, इस निजाम में पानी सीधे नदियों से ही पंप के जरिए इकट्ठा कर लिया जाता है. आबपाशी के इस्तेमाल नदियों के नजदीक वाली ज़िरात में फायदेमंद. बच्चों, ये दरियाओं से उठाने का इंतजाम जो है, अगर हमारे खेत
खेत जो है अगर वो क्या है नदियों के करीब हैं, तो वहां पर हम क्या है ये तरीका अपना सकते हैं। तालाब के इस्तेमाल में आने वाले छोटे तालाब छोटे आबी जखीरे होते हैं जो छोटे से इलाके में पानी का जखीरा करते हैं। तो फिर ये तालाब क्या है बच्चों, जैसे कि आप देखते हैं कि तालाब ये पानी जमा करने के छोटे जखीरे होते हैं और ये छोटे जखीरोंदोजी और पिन धारों का इंतजाम करते हैं। इसमें छोटे चेक डैम बनाना शामिल है। इससे मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। इसके अलावा बच्चों रेन हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं रेन यानी कि बारिश, जी हाँ बारिश के पानी को सीधे किसी टैंकी में हिफाजत से इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या मुराद है? जी हाँ, वो अमल जिसमें जमीन पर गिरने वाले बारिश के पानी को रोका जाता है और जमीन में रहने के लिए तैयार किया जाता है और उसका इस्तेमाल बाद में किया जाता है। इसी को हम क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम फसलों की तरतीब किस तरह से करते हैं। यहाँ पर ज्यादा फायदे हासिल करने के लिए फसल तैयार करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर मिलीजुली खेती या फिर मिलीजुली काश्त हम इसे कह सकते हैं, मुंजुमला काश्त और दौरी काश्त या दौरी चक्कर या फसल चक्कर भी हम इसे कह सकते हैं। इन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी फसल मानसून पर मुनहसिर है। अगर सही वक्त पर बारिश नहीं हुई तो क्या हो जाता है? जी हाँ बच्चों, फसलें सूख जाती हैं और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अगर हम दो या दो से ज्यादा फसल उगाते हैं तो क्या हो सकता है? देखिए बच्चों, यहाँ पर किसी वजह से अगर एक फसल हमारी खराब हो जाती है तो कम से कम दूसरी फसल से हम क्या है मुनाफा हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम कोई भी ऐसी ही ज्यादा दो या दो से ज्यादा फसलें हम एक साथ नहीं उगा सकते। इसके लिए हमें चंद जानकारी चंद मालूमात का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें ऐसी फसल को चुनना चाहिए जो दूसरी फसल को फायदा पहुंचाए। फसलों का चुनाव इस तरह किया जाता है कि इनकी गिजाई जरूरियात मुख्तलिफ हो, न्यूट्रिएंट का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल यकीनी हो जाता हो। इसके अलावा इन पौधों का ज़ियाई वक्फा, पानी की जरूरत और पौधे की ऊंचाई वगैरह भी, इन सब का क्या है खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि मिली जुली काश्त हम किस तरह से कर सकते हैं। दरअसल यहाँ पर दो या दो से ज्यादा फसल को एक साथ एक खेत में बोना मिली जुली काश्त कहलाती है। जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं गेहूं और चना। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गेहूं और चने की फसल को एक साथ उगा रहे हैं। इसके अलावा सरसों और मूंग भी हम एक साथ उगा सकते हैं और फली मूंगफली और सूरजमुखी ये भी क्या है हम एक साथ उगा सकते हैं। चलिए एक मिसाल के जरिए इसे समझते हैं कि ये हमें किस तरह से फायदा पहुंचाती है। यहाँ पर अगर हम
गेहूं और चना दोनों एक साथ उगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए गेहूं का पौधा कैसा होता है और इसकी कद कैसी होती है और चने के पौधे की कद कैसी होती है। जी हाँ, यहाँ पर गेहूं का पौधा जो है ऊंचा होता है, लेकिन चने का पौधा, जी हाँ बच्चों, वो पस्त होता है, थोड़ा छोटा होता है, कद में कम होता है। और गेहूं को जो है बच्चों ज्यादा मकदार में पानी की जरूरत होती है बनिस्बत चने के। इसके अलावा चना ये कैसा पौधा है, इसके बीज कैसे हैं? जी हाँ बच्चों, दरअसल चने का पौधा जो है दो डाला पौधा है। तो फिर ये दो डाला पौधा है तो यहाँ पर इसकी जड़ों में कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं? बिल्कुल सही, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया किस काम को अंजाम देते हैं? जी हाँ बच्चों, राइजोबियम बैक्टीरिया जो हैं, नाइट्रोजन को दो डाला पौधों के जड़ों में, जिसे हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं, वहां पर ये फिक्स कर देते हैं। अब इसका इस्तेमाल क्या है, गेहूं का पौधा करता है। तो यहाँ पर हमें क्या है, गेहूं के पौधे के लिए नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इससे फायदा यहाँ पर यही होता है, यहाँ पर अगर एक फसल खराब हो जाती है तो यहाँ पर बच्चों हम दूसरी फसल से फायदा उठा सकते हैं। इसी को हम क्या है, मिली जुली काश्त कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मुंजुमला काश्त किसे कहते हैं। यहाँ पर भी हम दो या दो से ज्यादा फसलों को एक ही खेत में उगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पौधों को जो है एक खास तरतीब में उगाते हैं। इसी को हम क्या है, मुंजुमला काश्त कहते हैं। बच्चों यहाँ पर खास तरतीब में उगाते हैं, इसका मतलब क्या है? दरअसल एक फसल की चंद कतारों के बाद हम क्या है यहाँ पर दूसरी फसल की चंद कतारें उगाते हैं। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक दो अलग तरह के पौधे उगाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या है, सोयाबीन और मक्का, इनको हम क्या है एक तरतीब में उगा सकते हैं। इसके अलावा बाजरा और लोबा, इसे भी क्या है हम एक तरतीब में उगा सकते हैं। इस तरह करने से हमें क्या फायदा होता है? देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि हर पौधों की यानी कि हर फसलों की एक अपनी खास खासियत होती है। चंद फसलों के लिए क्या है, पानी की ज्यादा जरूरत होती है और चंद फसलें जो हैं जल्द उगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरत के मुताबिक पौधों को पानी पर हम कर सकते हैं। इस फसल का खास मकसद क्या है, प्रति हेक्टर फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम क्या है मुंजुमला काश्त का इस्तेमाल करते हैं। हम पौधों को उनकी जरूरत के लिहाज से न्यूट्रिएंट भी फराहम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फसल को एक तरतीब में उगाया जाता है, लेकिन बच्चों मिली जुली काश्त में ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या है, हम सीधे चंद चने के दाने और चंद गेहूं के दाने मिलाकर क्या है हम पौधों को उगाते हैं। तो वहां पर जैसे कि गेहूं के पौधे के लिए ज्यादा पानी की जरूरत थी, लेकिन हम जब पानी देते हैं तो ये चने के पौधे को भी चला जाता है, जबकि उसे वो जरूरत नहीं है। लेकिन इस मिली जुली काश्त में हम क्या है पौधे को उसकी जरूरत के मुताबिक पानी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो तीन कतारों के बाद एक दूसरी फसल होती है, ठीक है। फसलों की कटाई और अनाज के दानों को अलहदा करना, जिसे हम कहते हैं क्रशिंग, में भी आसानी होती है, लेकिन मिली जुली काश्त में वहां पर क्या है बच्चों, ये जो अनाज है ये अनाज क्या है एक दूसरे से मिलने के चांसेस वहां पर
ज्यादा होते हैं। ये दाने जो हैं, बहुत सारे दाने एक साथ अलहदा करना उनको मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें अगर चार रो जो है तरतीब में, अगर हम सिर्फ चार यहाँ पर गेहूं पेरते हैं और दूसरी तरफ क्या है हम कुछ दूसरी फसल पेरते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या है इनके दानों को अलहदा करने में मुश्किल नहीं होती। एक जमीन के टुकड़े में मुख्तलिफ फसलों को एक के बाद एक पहले से ही तयशुदा तरीके से बोना, ये क्या है बच्चों, दौरी काश्त कहलाती है। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, और एक मर्तबा मैं इसे रिपीट कर रही हूँ। एक जमीन के टुकड़े में मुख्तलिफ फसलों को एक के बाद एक पहले से तयशुदा तरीकों से तैयार करना दौरी काश्त या फिर अदल बदल काश्त कहलाती है। वक्फे पर इन्हसार करते हुए दौरी काश्त मेलजोल के साथ की जाती है। नमी की मौजूदगी और आपपाशी की सहूलतें तय करती हैं एक फसल के बाद कौन सी दूसरी फसल बोई जाएगी। अगर फसलों का अदल बदल मुनासिब तरीके से किया जाए तो बच्चों यहाँ पर क्या है एक साल में दो या तीन फसलें हासिल की जा सकती हैं। तो इसके अलावा बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि एक मिसाल के जरिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। फर्ज कीजिए कि दौरी काश्त में हम अगर एक डाला पौधा उगाते हैं, चलिए हम यहाँ पर जवार उगाते हैं, ठीक है, तो फिर हम दूसरी बार वहां पर दोबारा जवार उगाएंगे? जी नहीं। देखिए बच्चों, जवार जो है ये एक डाला पौधा है और वहां पर हमें उसे नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स जो है फराहम करना पड़ता है, और उसके बाद अगर हम गेहूं का पौधा उगाते हैं तो क्या होता है, वो दो डाला पौधा है और वहां पर उसे न्यूट्रिएंट्स की मतलब नाइट्रोजन की न्यूट्रिएंट्स मतलब नाइट्रोजन की जरूरत ज्यादा मात्रा में नहीं होती। तो इस तरह से क्या है हम दौरी काश्त कर सकते हैं। बच्चों, खेत की फसलों में घास फूस कीड़े मकोड़े और बीमारियां ये क्या है कसरत से पाई जाती है। अगर घास फूस और कीड़े मकोड़ों को मुनासिब वक्त पर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो फसल को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं कि पूरी फसल जो है हमारी तबाह हो जाती है। आमतौर से ये कीड़े मकोड़े तीन तरीकों से हमारे फसलों पर हमला करते हैं। जड़ तना और पत्तों को काटते हैं, पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों से खुले रकीक मादा चूस लेते हैं, तने और फलों में सुराख कर देते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ बच्चों, हमें क्या है फसलों की हिफाजत का इंतजाम करना चाहिए। बच्चों यहाँ पर नून आ गया है, दरअसल वहां पर नूने गुना आना चाहिए था, खैर इसे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। बीमार आमिल उजवे और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले अवामिल से फसल को बचाना ही फसलों की हिफाजत है। तो यहाँ पर नीचे दिए गए तरीकों से हम क्या है अपनी फसल को बचा सकते हैं। कीड़े मकोड़ों का कंट्रोल फसलों की नशोनुमा के वक्त, इसके अलावा अनाज को गोदाम में रखना। कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल फसलों की नशोनुमा के वक्त हम ये किस तरह से करते हैं? दरअसल बच्चों, कीड़े मकोड़े जो फसल को खराब कर देते हैं जिससे वो इंसान के इस्तेमाल के लायक नहीं रहते, कीड़े मकोड़े पेस्ट कहलाते हैं और ये कई किस्म के होते हैं। चलिए इस पौधे को आप गौर से देखिए, क्या आपको इसे आपने इसे कहीं देखा है? बिल्कुल सही बच्चों, ये है हमारा पार्थेनियम का
पौधा। तो यहाँ पर ये एक ऐसा पौधा है जो हमारे फसल के साथ उगता है, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। यानी कि इस तरह के पौधों को हम क्या कहेंगे? खरपतवार, वीड्स। खरपतवार यानी कि फसल के साथ साथ उगते हैं, उगने वाले नापसंदीदा पौधे खरपतवार कहलाते हैं, जैसे कि यहाँ पर पार्थेनियम का पौधा। चलिए, कीड़े, ये भी क्या है, हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, फलों में सुराख डाल देते हैं। मर्ज फिजा अजसाम, कोई भी उजोए जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या फिर दूसरे खुर्दबीनी जानदार, ये जो है बच्चों पैथोजन कहलाती हैं। ये पैथोजन जो है मिट्टी, पानी और हवा में मौजूद हो सकते हैं, तो इससे भी हमारी फसल को हमें बचाना चाहिए। अनाज की जखीराअंदोजी हम किस तरह से कर सकते हैं? बच्चों, हमने यहाँ पर अपनी फसलों की हिफाजत भी करना बहुत ज़रूरी है, और जब हम अपनी फसलों की हिफाजत करते हैं और हमारी फसल अब आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पर उसकी जखीराअंदोजी भी बहुत ज़रूरी है। पूरे साल मौसम के मुताबिक गिजा हासिल करने के लिए अनाज को महफूज रखना ज़रूरी है, लेकिन जखीरा के वक्त अनाज कई वजूहात की वजह से खराब और बेकार हो जाती है। इसमें क्या है बच्चों, हयातियाती अवामिल भी शामिल हैं और गैर हयातियाती अवामिल भी शामिल हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हयातियाती अवामिल कौन से हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, अक्सर जब हम भी घरों में जो है अनाज की जखीराअंदोजी करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी फसल हम कहाँ पर रखना है, और इसे क्या है, हमें कीड़े मकोड़ों से बचाना है। इसके अलावा इसे क्या है, हमें चूहों से भी बचाना पड़ता है। तो ये क्या है बच्चों, हयातियाती अवामिल जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जब फसलें पकती हैं तो वहां पर फसलों को खाने के लिए बहुत सारे परिंदे भी आ जाते हैं, और बैक्टीरिया भी और फंजी भी क्या है, इन पर हमला करते हैं। तो बच्चों, फसल को जो है हमें इनसे भी बचाना बहुत जरूरी है। गैर हयाती अवामिल, बच्चों गैर हयातियाती अज्जा किसे कहते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं इसके ताल्लुक से। जी हाँ बच्चों, सूरज की रोशनी, पानी, दर्जे हरारत, सूखा, ये तमाम क्या है, ये गैर हयातियाती अवामिल हैं। यहाँ पर जब हम फसल को लाते हैं तो वहाँ पर गोदामों में हम क्या है उसका जखीरा करते हैं, वहाँ पर हम रखते हैं, तो उस वक्त गोदाम की जगह मुनासिब नमी और दर्जे हरारत पर हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि ये वो आमिल हैं जो फसल की गिरावट करते हैं, कमी आ सकती है, जैसे कि वजन में कमी और उगने की सलाहियत में कमी और महासिल का बेकार रंग होने का सबब बनते हैं। जब भी हम कुछ सब्जियां वगैरह खरीदने जाते हैं तो बच्चों हम उनके रंग देखते हैं, अगर हमारी सब्जी का रंग पीला हो गया है, अगर हम मेथी खरीद रहे हैं, पालक खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर हम दालें भी अगर खरीद रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उनका रंग देखकर लेते हैं। अगर हम हरे बटाने ले रहे हैं, अगर वो क्या है उनके रंग में अगर कोई तब्दीली आती है तो हम वैसे क्या है बटाने नहीं खरीदते, जिसकी वजह से बच्चों किसानों को नुकसान होता है और तिजारत में कमी वाकया होती है। चलिए बच्चों, हम अपने सबक को यहीं पर ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा।
आबपाशी से क्या मुराद है? जी हाँ बच्चों, ये बहुत ही आसान से सवाल आते हैं और आप क्या है इसे आसानी से आप इसका जवाब भी दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जी हाँ, फसलों में पानी फराहम करने का अमल जिसे हम क्या कहते हैं? आबपाशी कहते हैं। बारिश के पानी को सीधा किसी टैंक में हिफाजत से इकट्ठा करना क्या कहलाता है? बच्चों, इस पर आप बहुत सारे तजुर्बात भी कर चुके हैं, पिछली जमातों में भी इसके ताल्लुक से आप पढ़ चुके हैं। अक्सर आप क्या है घरों में देखिए, वहां पर क्या है बच्चों, पानी, छतों का पानी जो है, एक टैंक वहां पर बनाई जाती है और उसे क्या है पाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि हम क्या है पानी को जमा कर सके। तो इसको हम क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, इसे हम क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। मिली जुली काश्त की एक मिसाल दो। चलिए बच्चों, मिली जुली काश्त किसे कहते हैं आप पढ़ चुके हैं, अब इसकी आप मुझे कोई भी एक मिसाल दीजिए। बिल्कुल सही, गेहूं और चने को उगाना। फसलों को एक खास तरतीब में बोना क्या कहलाता है? देखिए बच्चों, याद कीजिए, आप कंफ्यूज मत कर लीजिए, मिली जुली काश्त, दौरी काश्त और एक बिल्कुल सही मुंजुमला काश्त, यानी कि फसलों को एक खास तरतीब में बोना क्या कहलाता है? मुंजुमला काश्त कहलाता है। अच्छा, फसलों की हिफाजत आप किस तरह से करोगे, सोचिए। जी हाँ बच्चों, बीमार अवामिल उज़्वे और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले अवामिल से फसल को बचाकर हम क्या कर सकते हैं, हमारी फसलों की हिफाजत कर सकते हैं। फसल के साथ साथ उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? अभी अभी हमने देखा बच्चों कि फसल के साथ साथ उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं और उसकी तस्वीर भी आपको हमने दिखाई है। बिल्कुल सही, इसे क्या है हम खर पतवार कहते हैं, मिसाल के तौर पर। जी हाँ, पार्थेनियम का पौधा। कीड़े मकोड़े ये क्या कहलाते हैं? जैसे कि हम क्या है फसल के साथ उगने वाले पौधे जो कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं, तो फिर हम कीड़े मकोड़े ये जो हैं, इन्हें क्या कहलाते हैं? जी हाँ बच्चों, ये पेस्ट कहलाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम घर पर काम लिख लेते हैं। आबपाशी के मुख्तलिफ तरीके बयान कीजिए। मिलीजुली काश्त और मुंजुमला काश्त में क्या फर्क है? कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल किए बगैर कीड़े और खरपतवार को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? बच्चों, इन जवाबात को आप अपने किताबों में देखिए या फिर इसी वीडियो को आप 2 से 3 मर्तबा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ। अच्छा, और एक सवाल यहाँ पर चुक गया है, वो कौन से वजूहात हैं जो अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं? ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह फिर हम अगले सबक में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। अनुदिना अनुक्षणा मन यल्लु कलियोना ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ
Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.